सत श्रीकाल जी, स्वागत है तुहाडा इस वीडियो दे विच। सो ईडी 5994 ते ईडी 2364 दी आपां गल करांगे जी। 5994 दा जिहड़ा पोर्टल है वह ओपन कराउण लई जिहड़ियां ने इत्थे मंगां जिहड़ियां कीतियां जा रहियां ने, यह मसला अपना भखिया होया जी। 5994 जिहड़ा आ ऑनलाइन पोर्टल अपना जिहड़ा शुरू किया जाए, ये इत्थे जिहड़ा आ उम्मीदवारों वालों तो यूनियन वालों गल आखी गई है। 2364 भर्ती जी पूरी होनी चाहिए है, तो ये असं भी कह रहे हैं कि भर्ती जी जरूर पूरी होनी चाहिए है जी, क्योंकि का जे पहला अध्यापक साथी से जोड़े उम्मीदवार से उन्होंने सक्रूटनिया भी 2364 हुई सी, तो उस तो बाद जी भर्ती है ये जी ये कोई प्रोसैस ही नहीं शुरू होया, तो हाई कोर्ट में भर्ती जी रुलती पई है। तो आने वाले दिनों 20 जुलाई को उम्मीद है कि ये भर्ती जरा प्रोसैस है हाई कोर्ट वालों बहाल किया जाएगा। तो इतने तुम्हें दस दिए PS टैट पास जोड़े उम्मीदवार ने उन्होंने ये गल आखी है कि 5994 असामिया पोर्टल जरा जल्द तो जल्द खोलिया जाए। तो यह दसाया गया कि 16 दसंबर 2021 जड़िया भर्ती का इश्तहार जारी किया गया सी, पर 6 महीने जोड़े बीत चुके ने जी, तो यह जोड़ा ऑनलाइन पोर्टल है वो ओपन नहीं किया जा रहा। तो जोड़े उम्मीदवार ने उन्होंने इन असामिया का जो पोर्टल ना खोलन कारण जी वड्डी गिणती जे ईडी टैट पास उम्मीदवार ने नौकरी लिए जी लोड़ी उम्र हद को पार कर रहे हैं, तो उम्र हद का मसला पहला भी उठता रहा जी कि जोड़े साथी ने जिन्हें 2364 भी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो 6635 भी नहीं हुई, तो उन्होंने हूँ जी उम्र हद है वह क्रॉस कर रही है, तो जिस करके जोड़ा कहा जा रहा है कि 5994 पोर्टल है जोड़ा जल्द तो जल्द ओपन किया जाए, ताकि जोड़े उम्मीदवार साथी ने उन्होंने जोड़ा रुजगार मिल सके जी। तो अगे गल आखी गई पंजाब सरकार जे भर्ती लैके जी चिंतित नहीं है। 2364 की गल करिए 2020 जी है कांग्रेस सरकार वालों ये भर्ती कढ़ी गई सी, इस भर्ती परीक्षा हुई, परीक्षा तो बाद जी जी मैरिट कढ़ी गई, मैरिट अनुसार जी सक्रूटनी भी हुई उम्मीदवार की, उस तो बाद जी है ये भर्ती जी चली गई हाई कोर्ट के, तो कोर्ट के भर्ती जी रुलती पई है जी। तो हुण जी उम्मीद है जड़े कैडर ते 2364 कैडर ने गल आखी है कि अजिहे उम्मीदवार ने जो भर्ती जी उम्र हद पूरी कर चुके ने 2364 वाले भी, तो इसलिए जी है 2364 अपनी पूरी होनी चाहिए है, ताकि जे जिन्हें सक्रूटनी 2364 विच हुई सी वह साथियों रुजगार जरा मिल सके जी, क्योंकि जेडे 2364 विच कुछ अजिहे साथी भी ने, कुछ नहीं बहुते साथी अजे ने जिहड़े 2364 विच ही उन्हां दा नंबर लग सकदा है, तो उम्र हद उन्हां दी पार हो चुकी है, तो नंबर उन्हां दा 5994 विच भी नहीं आएगा, इसलिए वह साथी जिहड़े आ कह रहे हैं कि 2364 भर्ती जिहड़ी आ पूरी होनी चाहिए है, ताकि उन्हां साथियों नूं रुजगार जिहड़ा मिल सके। तो इसलिए तो जिहड़े साथी 5994 लई एलिजिबल होणगे, तो सिर्फ 5994 लई ही एलिजिबल होणगे, तो उस तो बाद जिहड़ा आ उन्हां नूं इह डर है कि आउण उस तो बाद अगर कोई भर्ती निकलती है तो उहदे विच जिहड़ी उम्र हद उन्हां दी क्रॉस कर जाएगी, इसलिए ये गल आखी जा रही है कि 5994 पोर्टल जिहड़ा जल्द तो जल्द खोलिया जाए, ताकि जिहड़े ते जिहड़े साथी ने वो इस भर्ती लई जिहड़े अप्लाई कर सकन। तो यह भी गल आखी गई है कि निर्विघन जिहड़ी है प्रीख्या की तैयारी जिहड़े कर सकन उम्मीदवार। अखीर जी है ये गल आखी गई है पंजाब सरकार को कि जल्द तो जल्द जी है 5994 भर्ती कढ़नी चाहिए है, ऑनलाइन पोर्टल अपना शुरू होना चाहिए है, तो ईडी 2364 असामिया का भी जोड़ा आ भी योग हल जोड़ा आ हाई कोर्ट में होना चाहिए है। AG साहब जोड़े है वह खुद खुद जोड़े दखल दे के तो कोर्ट में जी है भर्ती बहाल करा, ताकि जिन्होंने प्रीख्या पास की 2364 तो फिर जो सक्रूटनी भी करवाइया, तो उस तो बाद जोड़े है उन्हों का कोई मसला ही नहीं होया, तो जरा कोर्ट के भर्ती जी चली गई, तो उत्थे रुलती पई है। तो यह गल आखी गई कि यह भर्ती जी पूरी की जाए, ताकि जे उम्मीदवार ने जोड़े सक्रूटनी जिन्हें हुई सी वो योग भी ने जी, तो उन्होंने जोड़ा आना बनता हक उन्होंने मिलना चाहिए, तो जिन्हें सक्रूटनी हुई सी जी उन्होंने जोड़ा आ जोड़े उम्मीदवार ने उन्होंने स्कूलों के तैनात किया जाना चाहिए, तो वह अपना हक है उन्होंने सक्रूटनी हुई है, तो इसलिए जोड़ा उन्होंने उन्होंने बनता हक दिता जाना चाहिए है जी, इसलिए 2364 भी जी पूरी होनी चाहिए है। सो ये अपडेट सी जी, तो वेखना होगा 20 जुलाई में जी अपनी नैक्सट हेयरिंग है 2364 की, तो वेद की निकल के आता है, तो उम्मीद पूरी है जी, काफ़ी प्रैशर भी बनाया जा रहा सरकार से कि जी कोर्ट में आने वाली 20 जुलाई में जी कोर्ट अपने हेयरिंग है केस की, तो जी है ये भर्ती जी अपना प्रोसैस है जो दोबारा शुरू होएगा, तो ये भर्ती जोड़े साथी ने दोबारा अपने उन्होंने जी ज्वाइनिंग उन्होंने भी होनी चाहिए, तो उम्मीद करते हैं जी। सो थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए।